नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल घंटा टॉप में। और आज एक महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण मेरिट लिस्ट लेकर आया हूं, जो पिछली बार 2015 में यूके ट्रिपल एससी बंदी रक्षक की मेरिट लिस्ट थी, वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। 200 नंबर का, 100 नंबर का फिजिकल हुआ था और 100 नंबर का रिटर्न हुआ था। तो दोस्तों, अगले महीने यानी कि कुछ ही दिन बाद उत्तराखंड में बंधक रक्षक की भर्ती आने जा रही है। ऐसे में पिछली बार कितनी मेरिट गई थी, कितने लोगों का चयन हुआ था, फिजिकल में कितने नंबर आए थे और रिटर्न में कितने नंबर आए थे, और जो टॉपर था और जो सबसे लोअर था वो कितने पे भर्ती हो गया था, पिछली बार बंदी रक्षक बन गया था उत्तराखंड में। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको वही जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे आंकड़ों को जुटाने में। इसीलिए दोस्तों, हमारे चैनल अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए सीधे चलते हैं पिछली बार की मेरिट लिस्ट में कि आखिरकार बंदी रक्षक की मेरिट लिस्ट कितनी गई थी। ये देखिए आप, ये आपकी स्क्रीन में है, यहां पर लिखा है कारागर बंदी रक्षक पुरुष के पदों के लिए शारीरिक नाप झोक दक्षता तथा लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची। अभी मैं आपको इसमें लगभग जो है 420 पदों पर पिछली बार भर्ती हुई थी, रिजल्ट आया था 2016 में, ये रिजल्ट आया था। और ये 420 पदों में जो भर्ती हुई थी, यहां पर अगर आप 229 नंबर पर देखें, जिसका नाम है सुरेश सिंह नेगी और इसके पिता का नाम है जोश सिंह नेगी, ये जो है जनरल कैटेगरी से हैं और इनका जो है जो फिजिकल में ये 88 नंबर लाए थे और रिटर्न एग्जाम में ये 66 नंबर लाए थे। टोटल इनके आए थे 154.25 और ये जनरल से सिलेक्ट हो गए थे और जनरल में ये बंदी रक्षक बन गए थे, यानी कि टोटल जो है 154.25 नंबर लाने पर पिछली बार बंदी रक्षक बन गए थे उत्तराखंड में जनरल के लोग। अगर जो है मैं स्टार्टिंग पे बात करूं, ये देखिए पूरी लिस्ट है, 420 पदों पर भर्ती हुई थी उसकी पूरी लिस्ट है ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आपको काफी मदद मिलेगी इस लिस्ट को देखते हुए उत्तराखंड में बंदी रक्षक की भर्ती के लिए जो आने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ये सबसे पहले मोहित तोमर देवेंद्र कुमार हैं, जो ओबीसी से आए थे और ओबीसी में ये सबसे हाईएस्ट, यानी कि जनरल जितने भी जनरल हैं कैटेगरी हैं एससी एसटी ओबीसी, उन सब में से सबसे हाईएस्ट इनके ही नंबर थे। और ये जो है फिजिकल में ये 96 नंबर ले आए थे। अगर आपको फिजिकल की डिटेल आपको चाहिए तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, वो हमने बनाया हुआ है। और ये मोहित कुमार 96 नंबर फिजिकल में लाए थे और रिटर्न में 80 नंबर, टोटल 176 नंबर लाए थे जनरल का, और इनका सिलेक्शन हो गया था जनरल में, एक रैंक थी इनकी, ठीक है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट 176 नंबर थे और उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 154 नंबर पर भर्ती हो गए थे पिछली बार जो बंदी रक्षक की भर्ती हुई थी। अब अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी एसटी और ओबीसी एसटी और एससी की अगर मैं बात करूं, तो एससी में जो सबसे लास्ट जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसके 144 नंबर थे और ये 144 नंबर वाले जो नाम हैं ये है राहुल राय, पिता रमेश कुमार, ये जो है 82 नंबर ये फिजिकल में लाए थे और 62 नंबर ये रिटर्न में लाए थे। ऐसे में इनका सिलेक्शन हो गया 144 नंबर पर एससी कैटेगरी में। तो दोस्तों, बेहद अहम है फिजिकल, अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो है इसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी से आप तैयारी कर लीजिए। मेरा मेरिट दिखाने का आपको मकसद था कि आप जो है जल्द से जल्द काबिल बन जाए कि आपको जो है कितने नंबर लाने हैं और कितने लोग, अब क्योंकि अब कंपटीशन भी ज्यादा हो गया, कई लोग उत्तराखंड वापस आ चुके हैं जो बाहर थे, फंस रखे थे लॉकडाउन में, अब वो भी बाहर आ चुके हैं। ऐसे में कंपटीशन बहुत खतरनाक हो चुका है। आपको जो है फिजिकल की तैयारी के साथ साथ आपको रिटर्न की भी तैयारी करनी है। इसी हिसाब से अगर मैं एसटी की बात करूं, तो एसटी 147 नंबर वाला एसटी का पिछली बार भर्ती हो गया था, 147 नंबर का। तो लगभग आपको जो है, अगर मैं इन सब के आंकड़ों की बात करूं, तो लगभग जो है आपको
160 से अबव नंबर आपको लाने ही होंगे जनरल कैटेगरी में, तभी जो है आप सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी हिसाब से अगर आप ओबीसी में 158 के लगभग नंबर लाते तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के लिए, एसटी के लिए 155 से 157 नंबर आपको लाने होंगे तभी आप भर्ती हो सकते हैं दोस्तों। तो ये फिजिकल सबसे अहम है, 100 नंबर का है, रिटर्न भी 100 नंबर का है। 100 नंबर में से अगर आपके 160 नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो ये मेरिट लिस्ट थी पिछली बार की जो मैंने आपको दिखा दी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस बार फिर परीक्षा कराएगा। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी जानकारी, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आपने समझ लिया होगा कि उत्तराखंड में पिछली बार बंदी रक्षक की जो मेरिट थी कितनी गई थी और अब कितनी जा सकती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कमेंट जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।